हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नेरो सलवार की कटिंग करने वाली हूँ। तो नेरो सलवार के लिए ये मेरा फैब्रिक है, यहाँ इसके साथ कढ़ाई दी हुई है। तो ये कढ़ाई वाली जो सलवार होती है उसकी हम कटिंग किस तरह से करेंगे, तो ये मैंने रख लिया है एक साइड में। ये हमारा जो पेज है ये हम अलग से कटिंग कर लेंगे दोनों पोंछों पे लगाने के लिए। अगर आप पैंट कटिंग करना चाहते हो तो वो पेज भी उसके ऊपर अटैच हो जाएगा, पर हम यहाँ नेरो सलवार कटिंग कर रहे हैं तो इसका मैंने अलग से मेजरमेंट लिया है, आपको बता देती हूँ। इसको सबसे पहले हम अलग कर लेंगे, ठीक है। ये अलग करने के बाद हम इसको एक बार साइड में रख देंगे और फिर बाकी का जो ये कपड़ा है इससे हम नेरो सलवार कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को फोर फोल्ड करना है। ये हमारा बंद साइड है, मेरी साइड जो है, और ये इधर जो है ये खुला साइड है। तो इसमें हमें कैसे निशान लगाने हैं, क्या मेजरमेंट रहेगा वो मैं बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले ऊपर हम बेल्ट का छोड़ देंगे 5 इंच, फिर हम अपनी लेंथ के हिसाब से कि हमें कितनी लेंथ रखनी है और कितना पोंचा रखना है तो उसके हिसाब से हमारा मेजरमेंट रहेगा। हमारा पोंचा अगर यहाँ पर लेना है और उसके सामने हमें आसन लेना है तो हमें यहाँ पे पोंचा लेना है लगभग 6 साढ़े 6 इंच के आसपास, और फिर उसके हम ले लेंगे 2-1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ से निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 9 या 10, ठीक है। ये हमने लगा लिया है यहाँ पे 10 इंच का आसन। और यहाँ से फिर क्या करते हैं, जो नॉर्मल सलवार में इस तरह से निशान लगाते हैं, इसको मिला देते हैं, तो वो तो रहती है हमारी नॉर्मल सलवार की कटिंग यहाँ से सीधा। पर ये हमारी नेरो सलवार है तो इसमें इसका थोड़ा सा मेजरमेंट चेंज होता है। ये वाला जो निशान आप देख रहे हो नॉर्मल सलवार का रहता है, पर इसमें ये नहीं लगाएंगे हम। हम क्या करेंगे, नीचे से जो पोंचा है वहाँ से लगभग 10-11 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने यहाँ 12 पे निशान लगा लिया है और फिर यहाँ से नीचे से 2-1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो इस निशान को यहाँ से मिलाते हुए हम आसन पे मिलाएंगे। यहाँ थोड़ी सी गोलाई आप देख रहे हो, इस तरह से गोलाई आएगी तो इससे हमारी जो सलवार है जो नीचे से पोंचों के साइड से बिल्कुल नेरो हो जाएगी, पैंट के जैसे लुक आएगा इसका, और ऊपर चुन्नट उसी तरह से डलेगी। तो ये हमारी कटिंग हो गई है सलवार की। तो अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर हम जिस तरह से चुन्नटें डालते हैं, इसमें चुन्नटें कम रहती है तो इसलिए इसमें लगभग 5 या 6 मुश्किल से आती है चुन्नटें। और ये हमारा जो पेच है वो इस तरह से हम सलवार को स्टिच करने के बाद, ऊपर से चुन्नटें वगैरह डालने के बाद इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब मैंने यहाँ बेल्ट भी कट कर लिया। बेल्ट आप जितना आपका नाप है 22 या 23, जितना भी आप करते हो उस हिसाब से अपना तैयार कर सकते हो। और स्टिचिंग इसकी बिल्कुल सिंपल रहेगी। तो आज की नेरो सलवार कैसी लगी कमेंट जरूर करें।